नमस्कार। टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। तो खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां मतदाता जागरूकता वैन को डीएम व एसपी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें, मतदाता जागरूकता वैन गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेगी। वहीं स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से मतदान के लिए प्रेरित किया। जिलाधिकारी अविनाश सिंह द्वारा मतदान के लिए स्कूली बच्चों और कर्मचारियों को शपथ भी दिलाई गई। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है अविनाश सिंह, डीएम अम्बेडकर नगर ने, आप सुनिए। आप सभी लोगों को मालूम है आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जनपद के समस्त मतदाताओं को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि 25 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, अर्थात गणतंत्र दिवस के ठीक एक दिन पहले 25 जनवरी को। और इसी उपलक्ष्य में तब से लेकर आज ये हम 14वां जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जनपद में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में जितने भी मतदाता हैं और खास तौर से जो युवा मतदाता हैं और ऐसे मतदाता जो पहली बार मतदान करेंगे, उनको मतदान करने के लिए प्रेरित करना, उनको उत्साहित करना कि वो बढ़ चढ़कर मतदान की प्रक्रिया में भाग लें और एक स्वस्थ और सक्षम लोकतंत्र में, एक आम जनता के द्वारा चुनी गई सरकार के गठन में अपना पूरा योगदान दे। इसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर जो हमारे डिप्टी डीओ साहब, एसडीएम सदर साहब और पूरी जो निर्वाचन की टीम है, उसके द्वारा यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें समस्त इस क्षेत्र के मतदाताओं को मतदान की शपथ दिलाई गई है। और सबसे ये एक अपील की गई है कि जो एक लोकतंत्र का एक महान मतदान, जो एक महान यज्ञ है, जिसमें सभी भी मतदाताओं को अपनी अपनी आहुति अवश्य डालनी चाहिए और इसके साथ साथ प्रयास करना चाहिए कि वो खुद तो मतदान करें लेकिन उनके घर में जो अन्य लोग हैं या उनके अड़ोस पड़ोस में उनके और भी जो जान पहचान के लोग हैं, उन लोगों को भी मतदान के दिवस पर मतदान केंद्र तक जाकर अपना अपना वोट डालने के लिए प्रेरित करें। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सी रंगोली बनवाई, जो एक पेंटिंग बनवाई है, साथ साथ बड़ी संख्या में यहाँ पे थर्ड जेंडर के हमारे मतदाता आए हैं, जो हमारे दिव्यांग मतदाता आए हैं, उन्होंने भी यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दी है। और निश्चित रूप से हम सब मिलकर अगर एक टीम के रूप में काम करते हुए जो भी हमारी 18वें लोकसभा के निर्वाचन की डेट आएगी, उसमें अगर सभी लोग जाकर अपने मतों का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से आज का तभी ये संकल्प है सार्थक हो पाएगा। हथरौलिया के पूर्व ब्लॉक प्रमुख माया प्रसाद यादव की 20वीं पुण्यतिथि पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव बलराम यादव, स्वर्गीय माया प्रसाद यादव के पुत्र हथरौलिया ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव ने हथरौलिया ब्लॉक परिसर में लगी आदमकद कांस्य प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात कार्यालय में 20वीं स्मृति दिवस समारोह को अपने बचपन सुखा स्वर्गीय माया प्रसाद यादव को याद करते हुए सपा महासचिव बलराम यादव ने कहा कि माया प्रसाद यादव हम लोगों के बीच में नहीं हैं, मगर उनकी नीतियां व रीतियां विचार आज भी हम लोगों के मार्गदर्शन का काम करती हैं। माया प्रसाद यादव कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा थे। उन्होंने कहा कि माया जी का पूरा जीवन सपा को समर्पित था। उन्होंने पूरे जीवन में कभी भी अपने वसूलों से समझौता नहीं किया। उनकी कमी को आज भी हम लोग महसूस करते हैं। काफ़ी भावुक होते हुए बलराम यादव ने कहा कि आज माया यादव के बिना समाजवादी लोग अकेला महसूस करते हैं। माया प्रसाद जी ने पूरे जीवन में कभी राजनीति को हथियार नहीं बनाया। माया प्रसाद यादव की 20वीं पुण्यतिथि है सर, ऐसा कहा जाता है कि आपके बचपन के सखा थे जिनसे आपकी राजनीतिक साथ ये कई वर्षों तक चला है। ऐसे में सर आज माया प्रसाद यादव हम लोगों सही बात कही गई है। हम लोग एक साथ पले, एक साथ पढ़े और एक साथ सामाजिक और राजनीतिक जीवन में एक दूसरे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चले आए। और आज चाहे हम हों, चंद्रशेखर हों, संग्राम हो, सभी लोग अगर महत्वपूर्ण लोग माने जाते हैं तो उसमें हमारे इस पूर्ण आत्मा की स्वर्गीय माया प्रसाद यादव का शही हो, उनकी स्मृतियाँ हमें हमेशा बल देती। तो सर जी, माया प्रसाद जी कोई ऐसी घटना है जो आपको बार बार प्रेरित करती है, जबकि आप दोनों का लंबा साथ रहा बचपन से, बचपन सखा कहा जाता है जी, कुछ ऐसी स्मृतियाँ बताइए जिससे आप ज़्यादा प्रेरित नहीं हो?
स्मृतियाँ ही प्रतिदिन हमारी स्मृतियाँ कौंधती हमारे मन में, और ऐसे ऐसे अवसर आए और ऐसी ऐसी चुनौतियाँ आई जिसको उन्होंने हमें हंसते हंसते और आगे बढ़ने का ही हमेशा रास्ता बताया। सर आज माया प्रसाद यादव हम लोग बिजनेस में, तब और आज की राजनीति में क्या अंतर है? ये विद्वान पत्रकार भाई हो, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया। आज देश ऐसे लोगों के हाथ में चला गया जिनको आज़ादी और स्वतंत्रता की लड़ाई में इनका कोई न सहयोग था न जिनका योगदान था। उनको बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के बनाए हुए संविधान को न पढ़ा न देखा, लेकिन उसी के ताकत पर भेष बदल करके वो देश के सत्ता में आ गए। 10 साल में देश की जनता की क्या हाल है आप ही बताओ, आपकी क्रय शक्ति घटी है कि बढ़ी है? देश के सभी बजट तो बढ़ा लेकिन बजट गया कहाँ, किन चीज़ों पर खड़ा हो? ये कोई नई आस्था पैदा कर रहे हैं क्या? अयोध्या के राम में, ये तो राम तो सब में है, राम हमारा जीवन है, हमारे आदर्श हैं, लेकिन इसको व्यवसाय के रूप में इन्होंने अयोध्या में अभी जो किया है वो व्यवसायिक रूप था इसका। तो सामने 2024 का चुनाव, ऐसे में समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर, समाजवादी पार्टी बड़ी भूमिका में आएगी। हिंदुस्तान में यही एक राज्य है, ये चारों तरफ से सफाया है। आसाम में एक भी सीट नहीं पाएंगे, ये आपके मतलब सभी, बंगाल में कहीं पता नहीं चलेगा, आपके झारखंड में पता नहीं चलेगा, बिहार तो छोड़िए, और उत्तर प्रदेश में स्थिति यही 80 सीटों में हमारी इंडिया पार्टी समाजवादी पार्टी सभी सीटों पर जीतेगी, और हिंदुस्तान में संविधान के बचाने के लिए और इस राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए एक नई भूमिका में नए कार्यक्रमों के साथ जन जन के सुख दुख के साथी के बनकर काम करेगी। ठीक सर, आज स्वर्गीय माया प्रसाद यादव की पूर्ति थी और भी बताया जाता है कि आप बचपन में उनकी उंगली पकड़कर चलना सीखा, ऐसे में सर माया प्रसाद यादव, देखिए आदरणीय बाबू जी ने सब बातें कह दी, अतरौलिया ही नहीं पूरा पूर्वांचल प्रदेश, माननीय स्वर्गीय नेता माननीय मुलायम सिंह यादव, अखिलेश जी हर बात को जानते हैं। आज जो भी समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी ताकत में यहाँ दिखती है वो उनके ही त्याग और बलिदान के कारण ही है। आज आप सवेरे से देख रहे होंगे इतनी कड़ाके की ठंड में लोग अपने साधनों से अपने घरों से चल करके आए हैं आज उन्हें श्रद्धांजलि भेंट करने। आज का दिन समाजवादी आंदोलन के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज से हम लोग इतनी ताकत लेते हैं कि बड़े बड़े इनसे जब सोचते हैं कि ऐसे दौर में जब यहाँ पर जालिम लोग गरीबों को शोषण करते थे, ऐसे समय में वो ढाल बन करके हमारे सद्धे चाचा स्वर्गीय माया यादव खड़े हो जाते थे। आज उनके छाया में हम सब राजनीति में, हम भी उन्हीं के आशीर्वाद से आज तीसरी पारी खेल रहे हैं, कभी अपने को अकेला महसूस नहीं करते हैं। गांव में जाते हैं तो आज स्वर्गीय चाचा माया यादव की स्मृतियाँ हमें ताकत देती हैं और हम जालिमों से टकराने का काम करते हैं। सर अगर सामने 2024 की बात करें तो सामने 2024 का लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में समाजवादी पार्टी की भूमिका, अगर पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल की 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी का क्या रोल होगा? देखिए मुझे अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी के स्नेह से मैं इंडिया गठबंधन के जो सीट शेयरिंग कमेटी है उसका मैं सदस्य हूँ। मैं अभी दिल्ली में बैठक में मौजूद था, कई बैठकें चली हैं। आज देश में जितनी प्रगतिशील ताकतें हैं, जितने शोषित हैं, पीड़ित हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, वनवासी हैं, रोजगार के लिए जो विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, नौकरियों के लिए छात्र हैं, व्यापारी हैं, आज कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से बहुत परेशान और दुखी हैं। एक मजबूत विकल्प के तौर पर वो देखना चाहते हैं
मुझे आशा और उम्मीद है 2-3 दिन के बाद आपको अच्छी न्यूज मिलेगी। हम एक मजबूत ताकत बनके एक विकल्प के तौर पर आए। अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि पत्रकार मित्रों, यही अमिताभ बच्चन जब सैफई के अंदर आते थे तो भारतीय जनता पार्टी की क्या राय होती थी, यही कैटरीना कैफ जब वहाँ आती थी तो क्या राय होती थी, अब आज उन्हीं को बुला करके मंदिर के उद्घाटन में उन्हीं का चेहरा दिखा रहे हैं। अगर हम बुला लेते मंदिर के उद्घाटन में इनको, तो गांव-गांव में हमारे बारे में मीडिया को लेकर के ये क्या दुष्प्रचारित है, ये क्या दिखाना चाहते हैं। नोटबंदी के बाद पहली बार पूरे, मैं दिल्ली में था जब शेयरिंग कमेटी की बैठक में गया था, जो झंडे दिल्ली के अंदर वही झंडे अतरौलिया के अंदर, इतना क्या है। राम गड़गड़ में व्याप्त हैं, राम बाबूजी ने भी क्या हमारे आदर्श हम भी कहते हैं, डॉक्टर लोहिया ने सबसे पहले रामायण मेला लगाया, लेकिन आज गुजराती पूरे देश में हमारे नौजवानों के हकों अधिकारों के लोग, आज गुजरात का व्यापारी सब व्यापार पर कब्जा कर रहा, अडानी सबसे बड़ा मालिक होकर के देश में उभर रहा, हमको आपको पता चलेगा किस हालात में आप जा रहे हैं। मुझे कहा जाता है स्वर्गीय माया प्रसाद यादव जी जब राजनीति में थे तो उस समय आप इलाहाबाद पढ़ाई कर रहे थे, ऐसे में अल्प समय में ही आपके पिताजी का साथ आपके साथ रहा, उस समय की राजनीति में आज की राजनीति में क्या अंतर? देखिए, आज उनकी मूर्ति के सामने मैं खड़ा हूँ। जब वो इसी हॉस्पिटल में थे और अतरौलिया में जब वो अंतिम समय में अंतिम सांसें गिर रहे थे, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि जिन आतताई शक्तियाँ और जो समाज के शोषक वर्ग हैं, उन लोगों के खिलाफ लड़ करके माया बलराम ने उनको घर बैठा दिया है। वो शक्तियाँ आज की डेट में समाप्त हैं, लेकिन तुम लोगों का जीवन लंबा है। हो सकता है कि वो शक्तियाँ आने वाले दिन में गरीब, दलित, शोषित, पिछड़े, अगड़े, जितने लोग सामाजिक न्याय व्यवस्था को मानने वाले हैं, समाजवादी न्याय व्यवस्था को मानने वाले हैं, अगर वो शक्तियाँ कहीं गरीबों को, मजलूमों को हक पे डांका डालें, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ करें, तो मेरी आत्मा के प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि बगैर किसी परवाह के तुम वहाँ डट करके खड़ा रहना और उन ताकतों का मुँह तोड़ जवाब देना। यही आज उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। और मैं कोशिश करता हूँ कि आप देखते होंगे कि सुबह से आप इस कड़ाके की सर्द में कितना कार्यालय से लेकर छितौनी तक कितने हजारों हजार का समूह आज उनको जो श्रद्धांजलि देने के लिए आया है, उस दिन भी हमें उनकी मूर्ति के सामने संकल्प लेते हैं कि जिन आशा और विश्वास के लिए अतरौलिया में उन्होंने सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी पैदा किया था, और निश्चित रूप से जब उत्तर प्रदेश की सरकार पे कब्जा हुआ तो उन लोगों ने मिल करके यहाँ के नौजवानों को रोजगार भी दिया और अच्छा जीवन दिया। निश्चित रूप से आने वाले समय में जब भी जो संघर्ष भी करना होगा सम्मान स्वाभिमान के लिए, गरीबों के लिए हम लड़ेंगे भी, और जब कभी हाथ में उत्तर प्रदेश सरकार के खजाने की चाबी आएगी तो जिस तरह से श्रद्धेय चाचा जी ने और स्वर्गीय पिताजी ने जिस तरह से नौजवानों का जीवन खुशहाल किया था, निश्चित रूप से हम और संग्राम उस खुशहाली को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चुनाव को लेकर क्या क्या हुआ है, इसके बाद इतने कठिन परीक्षाओं के बाद आपको इस कुर्सी पर मिला, ऐसे में अपने पिताजी से कौन सी ऐसी आदर्श बात है जो हमेशा आपको याद रहती है? दूर दृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, तीन चीज उन्होंने कहा था। और कहा था कभी भी अगर बहुत असहाय महसूस करना तो ये अतरौलिया अपना परिवार है, इस परिवार के बीच में चले जाना, ये तुम्हारे हर संकट का जवाब देंगे। और निश्चित रूप से चाहे जिस रूप में मैं याद किया, मैं कोई व्यवसाय नहीं किया, लेकिन बड़ी से बड़ी शक्तियों को जब कभी पैसे की भी जरूरत पड़ी तो इसी अतरौलिया की जनता के सामने मैंने अपना जब दामन फैला के मांगा तो इलेक्शन में मुझे पैसा ज़्यादा हो गया, कभी पैसा कम नहीं पड़ा। ये मेरी अतरौलिया के परिवार के बीच में रहने की उन्होंने प्रेरणा दी है। बाकी जो लोग जिस रूप में हम उनकी कोई चर्चा नहीं करते, हमारा सेवा करने का काम है, हम लगातार अतरौलिया की जनता का सेवा करते रहेंगे। अतरौलिया थाना क्षेत्र के भगवानपुर मदियापार स्थित एसटी ग्लोबल पब्लिक स्कूल परिसर में विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय जितेंद्र प्रसाद यादव की 7वीं पुण्यतिथि बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई, जिसमें स्वर्गीय जितेंद्र प्रसाद की पत्नी समेत विद्यालय के सभी शिक्षक, कर्मचारी एवं बच्चों ने विद्यालय के संस्थापक रहे स्वर्गीय जितेंद्र प्रसाद यादव के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किया। विद्यालय के डायरेक्टर व स्वर्गीय जितेंद्र प्रसाद यादव के पुत्र राधेश्याम यादव ने कहा कि पिताजी का हमेशा से एक सपना रहा है कि गरीबों के बच्चे जो पैसे के अभाव में उचित शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते, उनके लिए विद्यालय की स्थापना उन्होंने की थी। इसमें आज गाँव
गरीब किसान सभी के बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, साथ ही साथ गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा लेने में कोई दिक्कत नहीं महसूस होती, उनकी फीस में भी काफ़ी सहूलियत प्रदान की जाती है। इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे जो जनपद में दूसरा स्थान हासिल कर इस विद्यालय का मान सम्मान बढ़ाएँ। राधेश्याम यादव, डायरेक्टर एसटी ग्लोबल पब्लिक स्कूल। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए, जो साधारण सभा है किसकी है और कब से मना रहे हैं? ये हमारे बाबूजी श्रद्धेय स्वर्गीय जितेन प्रसाद यादव की 7वीं पुण्यतिथि है और हम लोग बहुत ही इसको दुख के साथ मनाते हैं। बाबूजी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके विचारों को और उनकी भावनाओं को हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और उनका ये सपना था कि एक अच्छा विद्यालय हो, उसमें अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जो समाज के बच्चे हैं, जो दूर दराज के क्षेत्रों में नहीं जा पाते हैं, उनके लिए एक अच्छी शिक्षा संस्था का यहाँ निर्माण हो और उनके इस सपने को हम लोग पूरा करने का काम कर रहे हैं। जब उनका मतलब जब विद्यालय का निर्माण हुआ तो कुछ हो इस विद्यालय के संस्थापक थे, उन्होंने ही इस स्कूल की नींव रखी और उनके ही विचारों को, उनके ही भावनाओं को, उनके प्रयासों को हम लोग सतत आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज कितने वर्ष हो गया विद्यालय के और विद्यालय कहाँ की ऊंचाई तक कहाँ तक पहुँचा, इसके बारे में बताइए। विद्यालय की स्थापना 2016 में हुई थी और आज अपने निरंतर ऊँचाइयों को छूते हुए क्लास 9th, 10th, 11th, 12th तक की संस्था बढ़ाने का हम लोग काम कर रहे हैं। क्या क्या बच्चों को क्या क्या फैकल्टी देने का और लक्ष्य रखे हैं, क्या क्या देंगे, कैसे कैसे शिक्षा उनको देंगे, इसके बारे में? शिक्षा व्यवस्था को जो भी बच्चे हैं हम बहुत बेहतर देने का प्रयास करते हैं कि जो बच्चे जा कर के शहरों में या बड़े बड़ी संस्थाओं में जा कर के जो शिक्षा हासिल करते हैं, हम उनको यहीं अपने देहात क्षेत्र में यहाँ एक अच्छी डेवलपमेंट कर करके शिक्षा व्यवस्था की, अच्छे अच्छे टीचरों को रख करके और उनको अच्छी शिक्षा देने का काम कर। आप अपने पिता के सिद्धांतों पर चल रहे हैं, ऐसे अपने स्टूडेंट को क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे आपकी सब? पिताजी बहुत ही ईमानदार और सरल स्वभाव के थे और हमेशा जो है उनका ये सपना रहता था कि जो भी लोग हैं वो अच्छे मतलब पढ़ाई लिखाई करके बच्चे आगे बढ़ें और शुरू से मतलब हर बच्चे की वो मदद करते थे। पढ़ाई लिखाई पीरियड में भी जो उनके संपर्क में लोग रहते थे, देखते थे ये बच्चा गरीब है नहीं पढ़ पा रहा है, तो उनको अपने ही मतलब उससे उसको बुक कॉपी अवेलेबल कराना, पैसा दे देना और सारी चीज़ें वो करते थे कि मतलब ये बच्चा कहीं से ऐसा ना हो कि बिना किसी अभाव में ये बच्चा पढ़ ना पाए। तो हम लोग भी उसी प्रयास में रहते हैं कि जो भी बच्चे हैं अगर कहीं उनको आवश्यकता है, फीस नहीं भर पा रहे हैं या जो भी चीज़ें, तो हम लोग प्रयास करते हैं उनको वो बच्चे जो है पढ़ें। इस समय कम से कम 25-30 बच्चों की हम लोग इस तरीके से। परिचय जी, आप किस किस विद्यालय की बताना चाह रहे हैं उसके बारे में? माई सेल्फ अनीता यादव, आई एम आ प्रिंसिपल एस डी ग्लोबल स्कूल। कितने वर्षों से आप यहाँ पढ़ाना चाह रहे हैं? आई एम वर्किंग इन 7 ईयर्स। आपके ग्रैंड फादर इज यहाँ के, आज पुण्यतिथि मनाई जा रही है, इनके बारे में बताइए, क्या जानती हैं इनके बारे में, क्या लक्ष्य था इनका, क्या आपने विद्यालय में उन बच्चों लोगों को लक्ष्य या गार्जियन को वो सपोर्ट मिल दे पा रही हैं जो आपके ग्रैंड फादर ने रखा था? यस सर, टुडे इज 7th डेथ एनिवर्सरी ऑफ लेट जितेंद्र प्रसाद यादव। हिज ड्रीम वाज इन रूरल एरिया एस्टेब्लिश्ड अ इंग्लिश मीडियम स्कूल। इन दिस स्कूल पुअर स्टूडेंट्स गेट अ गुड नॉलेज फ्री, मिनिमम फीस एंड गेट अ मोर नॉलेज एंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकली एंड मेंटली। आप इसे बता रहे फिजिकली मेंटली का स्टूडेंट जो भी आते हैं आपके यहाँ, उसको आप किस तरीके से मोटिव करते हैं, किस तरीके से उनकी देखते हैं कि गार्जियन भी और स्टूडेंट की पढ़ाई भी आगे बढ़े? In this school, arrangement the physically and mentally development of students, a good teacher,
in this work, working in every field of every development of this students. 7 वर्षों में क्या आपको ऐसा कहीं लगा कि आप और विद्यालयों से सुविधा ज़्यादा नहीं दे पा रही हैं, या और कुछ सुविधा आपको बढ़ाना चाहिए, ऐसा कुछ मन में विचार आया है जो आप आगे बढ़ाना चाहेंगी? नो सर, डे बाय डे आई डू एंड एस डी ग्लोबल फैमिली आल्सो वर्किंग आर हार्ड वर्क एस्टैब्लिश द मॉडर्न एजुकेशन गेट आर स्टूडेंट्स. थैंक यू सर. अपना नाम बताइए. मैं नैन्सी यादव हूँ. तो आपके दादाजी का आज पुण्यतिथि है, क्या प्रेरणा मिली है आपको, क्या उनका सिद्धांत था आप जानते हो, इसके बारे में बताओ थोड़ा सा. वो बहुत अच्छे थे, वो गरीबों की मदद करते थे और ही हेल्प द पुअर पर्सन हु कैन नॉट एबल टू स्टडी. ही वॉन्ट टू स्टेब्लिश द स्कूल फॉर पुअर चिल्ड्रेन दे कैन हु कैन नॉट स्टडी वेरी वेल एंड यस. आप इसी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण किए हो, कैसा लगा आपको टीचर का और आपके जो जो दादाजी का लक्ष्य था जो पढ़ाई का, वो आपको यहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यस, इन दिस स्कूल देर आर वेरी गुड टीचर्स विच हु हेल्प अस टू गेन आवर फ्यूचर वेरी वेल एंड आई एम गेटिंग बेटर एजुकेशन इन दिस स्कूल. अयोध्या में श्रीराम प्राण प्रतिष्ठा के बाद जहां देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वहीं मुंबई से बिजनेस करने वाले गुजरात निवासी युवक कपिल भट्ट ने मोटरसाइकिल से ही भारत के सभी तीर्थस्थल की परिक्रमा करते हुए अतरौलिया स्थित राम जानकी मंदिर पहुंचा, जहां पूजा अर्चना करने के बाद अयोध्या धाम के लिए रवाना हुआ. जैसे ही बाइक सवार युवक नगर पंचायत अतरौलिया पहुंचा तो समाजसेवी नवनीत जायसवाल, मनीष, महेश, सोनी तथा नगर के संभ्रांत व्यक्तियों द्वारा उसका माल्यार्पण कर स्वागत किया गया. तत्पश्चात मोटरसाइकिल से ही युवक अयोध्या धाम के लिए रवाना हो गया. नवनीत जायसवाल ने बताया कि यह हम लोगों का सौभाग्य है कि राम जानकी मंदिर में दूर दूर से दर्शनार्थी आ रहे हैं, जिनके स्वागत का सौभाग्य हम लोगों को मिला है. इनके जज्बे को सलाम करते हैं कि भीषण ठंड में गुजरात निवासी युवक प्रयागराज व काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन कर अतरौलिया पहुंचे, जहां नगरवासियों द्वारा माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया गया. इस मौके पर श्रीराम अग्रहरी, सुमित अग्रहरी, आयुष कश्यप, शिव कुमार, विनोद चौरसिया आदि उपस्थित रहे. सबसे पहले भी अपना परिचय दीजिए, आपका क्या नाम है और कहाँ के निवासी हैं? हम ऐसे तो गुजरात के निवासी है, मेरा नाम प्रफुल्ल भट्ट है. हम गुजरात के मूल भावनगर जिले के हैं. हमारा बिजनेस है बम्बई में, अभी रहना भी हमारा बम्बई में है, तो वहाँ से निकले हैं. मुंबई से आप बुलेट से निकले हैं, कहाँ जा रहे हैं इसके बाद? बम्बई से हम निकले हैं त्र्यंबकेश्वर, ओमकारेश्वर, प्रयागराज, काशी विश्वनाथ, अभी जाएंगे अयोध्या, फिर जाएंगे उज्जैन, महाकाल, फिर वापस घर पे जाएंगे. मतलब आपने लक्ष्य बनाया है कितनी मंदिरों तक जाएंगे, कितने स्थानों पे जाएंगे, क्या लक्ष्य है? नहीं, लक्ष्य नहीं बनाया, जितना हो पाएंगे उतना करेंगे. अभी तक आप कितने 100 किलोमीटर आ चुके हैं? अभी तो हम 2200 से ज़्यादा किलोमीटर चला चुके हैं. इतनी कड़ाके की ठंडी में आप कैसे ही सफ़र कर रहे हैं, इसके बारे में? मज़ा भी आ रहा है, थोड़ा तकलीफ भी हो रहा है, राम का नाम ले रहे. रास्ते में आपको किसी तरह तकलीफ या सहयोग कहाँ कहाँ मिला, कैसे? सब जगह पे सहयोग मिला, काशी विश्वनाथ में भी मिला, प्रयागराज में भी मिला, सब जगह पे सहयोग मिला. कहाँ से ये मन में आया आपको कि हम इतनी जगह पे जाएं और दर्शन करें, वो भी बाइक से? वो तो बरसों से हम सोच रहे थे कि जब से बुलेट लिया है हमने तो एक निकला जाए यात्रा के लिए. तो अभी राम मंदिर का जो निर्माण हुआ तो एक संयोग उसके साथ बन गया, चलो अयोध्या जाएंगे, तो वही बहाने से हम निकल गए. आज आप यहाँ अतरौलिया पहुँचे हैं, अतरौलिया में आपको राम भक्तों द्वारा और कुछ श्रद्धालु द्वारा आपका सम्मान भी किया गया, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है कि इतना मान सम्मान दिया आप लोग हमें. तो क्या अभी उसके बाद जो आप बता रहे हैं कि और कहीं भी जाने का मन है, और कहीं भी अपने बाइक से जाएंगे आप, इसके बारे में? अभी तो इतना ही करना है, बाकी आगे राम जी की मर्जी. तो खबर आजमगढ़ से है, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा लालगंज आजमगढ़ के द्वारा आयोजित नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया. लालगंज जिले के 5 विधानसभाओं में अलग अलग 10 स्थानों पर यह आयोजन किया गया था. लालगंज विधानसभा में फेकू सिंह महाविद्यालय चेवार में मुख्य अतिथि के रूप में लालगंज जिले के जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव और विशिष्ट अतिथि पलहना, ब्लॉक प्रमुख अनुराग सिंह सोनू रहे, और फूला देवी मंगरू सिंह महाविद्यालय में मुख्य अतिथि किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री घनश्याम सिंह पटेल, विशिष्ट अतिथि जिला मंत्री सुनील सिंह डब्बू रहे. दीदारगंज विधानसभा में
फुलेश महाविद्यालय दीदारगंज में मुख्य अतिथि पूर्व सांसद श्रीमती नीलम सोनकर, विशिष्ट अतिथि जिला कोषाध्यक्ष दिनेश जायसवाल और आर सभागार में पूर्व विधानसभा के प्रत्याशी कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा, विशिष्ट अतिथि पूर्व ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह मोनू रहे। अतरौलिया विधानसभा के रामनाथ धनंजय पीजी कॉलेज में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय संयोजक श्रम प्रकोष्ठ रमाकांत मिश्र, विशिष्ट अतिथि प्रभाकर तिवारी और उदय राज सिंह, रामप्यारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय मंत्री भाजीमो चंद्रपाल सिंह, विशिष्ट अतिथि कोयलेसा ब्लॉक प्रमुख संतोष यादव रहे। निजामाबाद विधानसभा के सुदामी देवी पीजी कॉलेज में मुख्य अतिथि पूर्व जिला अध्यक्ष ऋषिकांत राय, विशिष्ट अतिथि पूर्व प्रत्याशी मनोज यादव और बीआरडी पब्लिक स्कूल में मुख्य अतिथि पूर्व जिला अध्यक्ष विनोद राय, विशिष्ट अतिथि जिला मंत्री अजय यादव रहे। फूलपुर पौई विधानसभा के SBS इंटर कॉलेज में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक अरुणकांत यादव, विशिष्ट अतिथि जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा संजय यादव मौजूद रहे। खबर आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जगदीश नारायण महेंद्र प्रताप पीजी कॉलेज रघुपुर पर नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीवी के माध्यम से नव मतदाताओं को संबोधित किया। अपने लाइव संबोधन में प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र में एक वोट की ताकत को बताया और वोट के अधिकार के प्रति नव मतदाताओं को जागरूक भी किया। अपने संबोधन में पीएम वोट के अधिकार के प्रयोग के लाभ को भी बताया। पीएम ने लोकतंत्र में वोट के प्रयोग से पूर्ण बहुमत की बनने वाली अस्थायी सरकार को देश के विकास का पर्याय कहा। उन्होंने पूर्ण बहुमत से बनने वाली भाजपा सरकार के 9 सालों की उपलब्धियों को एक एक करते हुए बताते हुए देश के विकास में वोट का महत्व भी बतलाया। पीएम ने नव मतदाताओं को आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में नवयुवकों के हित से जुड़े हुए मुद्दों पर सुझाव नमो ऐप पर देने का आग्रह भी किया। आयोजित कार्यक्रम में कॉलेज के प्रबंधक अमित पांडे ने मुख्य अतिथि भाजपा नेता सत्येंद्र राय सहित जिला पंचायत सदस्य रामपाल सिंह, लालसा निषाद, विवेक सिंह युवा मोर्चा और सौर सिंह कौशिक का मल्यार्पण व साल भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम का आयोजन कॉलेज प्रबंधक समिति व शिक्षक गण विनीत शुक्ला, रितेश पांडे, अनंत सिंह, सुनील पांडे की देखरेख में संपन्न हुआ। इस आयोजन में भारी संख्या में नव मतदाता उपस्थित रहे। आजमगढ़ में पुरानी पेंशन के लिए निरंतर संघर्षरत संगठन अटिवा के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस के दिन अटिवा की जिला इकाई के पदाधिकारियों के द्वारा पेंशन तथा मतदाता जागरूकता मार्च का आयोजन किया गया। यह मार्च DAV इंटर कॉलेज के पास स्थित गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ शुरू होकर अम्बेडकर पार्क में जाकर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ समाप्त हुआ। मार्च का नेतृत्व कर रहे अटिवा के जिला अध्यक्ष सुभाष चंद्र यादव ने बताया कि आज पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अटिवा के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सबसे पहले हम सब इस देश के मतदाता हैं और हम शिक्षक, कर्मचारियों, अधिकारियों का मतदान शत प्रतिशत सुनिश्चित हो, इसके लिए हम लगातार सभी विभागों में जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। NPS तथा निजीकरण इस देश के लिए घातक है। हम आज प्रदेश की लोकप्रिय सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते हैं। अटिवा की महिला प्रकोष्ठ की प्रभारी विनीता सिंह ने बताया कि जिले की अटिवा से जुड़ी मातृशक्तियाँ लगातार घर घर जाकर महिलाओं को मतदान के लिए जागरूक कर रही हैं। अपना परिचय बता दें। मैं रामजी वर्मा, महामंत्री अटिवा जनपद आजमगढ़। हम लोग का कार्यक्रम आज प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पे मतदाता जागरूकता दिवस के अवसर पे मतदाताओं को जागरूक कराना है, तथा हम लोग का अगला कार्यक्रम लखनऊ में 4 फरवरी को 1 for OPS है। OPS भी लोकतंत्र का एक रूप है, OPS पाना हमारा अधिकार है। उसी क्रम में हम लोग 4 फरवरी को 1 for OPS लखनऊ में आयोजित है। सभी लोगों से आह्वान है कि उस कार्यक्रम में उपस्थित हो। हम लोकतांत्रिक ढंग से विभिन्न मंचों से अपनी बातों को उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे जब तक हमारा पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाता है। अपना परिचय बता दें। सुभाष चंद्र यादव, जिला अध्यक्ष अटिवा पेंशन बचाओ मंच, जनपद आजमगढ़। अच्छा, किस क्या कार्यक्रम रहा आज? राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर हमारे प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर माननीय विजय कुमार बंधु जी के दिशा निर्देश के क्रम में हम लोग सभी अटेवियंस अपने अपने जनपद मुख्यालय पर आज ये मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित किए हुए हैं। उसी क्रम में जनपद आजमगढ़ ने भी अपने यहाँ आज मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागरूक करने का कार्य किया। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस कर्मी कुछ CCTV कैमरे को तोड़ फोड़ कर रहे हैं, सर क्या संज्ञान में?
वीडियो अभी आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है, जिसमें एक सीसीटीवी फुटेज दिख रहा है, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं। कहाँ का वीडियो है, किस गांव का वीडियो है, कौन पुलिसकर्मी है, किन परिस्थितियों में ये वीडियो है, और इस पूरे प्रकरण के संबंध में अगर कोई मेरे समक्ष प्रार्थना पत्र लेके आता है तो उस पर संज्ञान लेके कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिक स्तर पर CEO सदर को इसकी जाँच दी गई है कि अगर ये गंभीरपुर थाना क्षेत्र का वीडियो है तो कहाँ का वीडियो है और इसके क्या तथ्य हैं पूरे, उनके संबंध में जाँच करके अवगत कराएंगे लिखित में, उसके बाद कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आजमगढ़ के हरियोध कला केंद्र पर गुरुवार को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मतदाता जागरूकता एवं शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कई स्कूलों के बच्चे भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आजमगढ़ के मंडलायुक्त मनीष चौहान के साथ ही DM विशाल भारद्वाज, ADM SDO समेत, ADM CDO समेत अन्य अधिकारीगण व कर्मचारीगण मौजूद रहे। इस दौरान एक जागरूकता रैली के साथ जागरूकता वैन को भी मंडलायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाकर सभी को मतदान के प्रति जागरूक करेगी। मंडलायुक्त ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करना है। आने वाले चुनाव से पहले लोगों को अपने नाम को वोटर लिस्ट में डलवाना चाहिए, कोई त्रुटि है तो उसको सुधार करना चाहिए ताकि जब चुनाव का वक्त आए तो लोग बिना संशय के मतदान कर सकें। इस संबंध में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहीं जिन कर्मचारियों ने मतदाता पुनरीक्षण कार्य में उल्लेखनीय कार्य किया है उसको सम्मानित भी किया गया है। कुल मिलाकर लोगों को उनके वोट डालने को लेकर जागरूक करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सुनते हैं मंडलायुक्त ने क्या। सर, आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, किस तरह से आप लोग मना रहे हैं, क्या? देखिए, आज जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है ये इसलिए है कि हम सभी वोटर को जागरूक करें कि लोकतंत्र में उनकी भागीदारी महत्वपूर्ण है। अधिक से अधिक संख्या में जो जब भी चुनाव हो तो वोट देने आए, और अभी जिनके भी वोटर कार्ड नहीं बने हैं या मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है या कोई उसमें उनको लगता है कि त्रुटि है तो उसको वो ठीक करा लें, ताकि जब चुनाव हो तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। आज यहाँ पर सभी शैक्षिक संस्थाओं के छात्रों ने, हमारे यहाँ के कई लोगों ने और कई कर्मचारियों ने यहाँ पर हिस्सा लिया, और कई कर्मचारियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने कि अभी वोटर लिस्ट पुनरीक्षण में अच्छा कार्य किया, तो उन सभी ने यहाँ पर आज कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और यह कार्यक्रम मुख्य रूप से लोगों को जागरूक करने के लिए। सर, कितने मतदाता नए बढ़े हैं और कितने कुछ संख्या हो सर? ठीक सर, आज रैली भी निकाली गई सर मतदाता जागरूकता। आज रैली और कई कार्यक्रम किए गए और वैन भी यहाँ पर जागरूकता के लिए जो कि विभिन्न क्षेत्रों में जाएगी, वैन ग्रामीण क्षेत्रों में और जाएगी, जिससे कि लोगों को आने वाले चुनाव के बारे में जागरूक किया जाए। सर, जागरूक के बाद सर वोट परसेंटेज हमेशा जब मुझे मतदान पर दिया जाता है उससे किसके नहीं, जब वोट आएगा उस जब चुनाव आएंगे उस समय विशेष रूप से और भी प्रयास करने की आवश्यकता है, उस समय की वोटर पर्ची हर घर में पहुंच जाए, हमारी जो लोगों को पता हो कि किस बूथ पे उनका वोट बना है, ये सब चीज़ें भी हमें करनी है। साथ ही लोगों को जागरूक करना होगा कि भाई वो पहले सबसे पहले मतदान का कार्य करें, दिन में और कोई काम नहीं करें, सबसे पहले वो मतदान करें और उसके पश्चात ही कोई और काम करें। ठीक सर, धन्यवाद।